खल साहब, सबसे पहले जहां तक इंडियन हाथ का मुलविस होना है, अजीत दोवल का ये डॉक्ट्राइन है कि पाकिस्तान को टारगेट किया गया। अजीत दोवल यहां पर क्या कर रहा था? भारत पाकिस्तान में फिरका वारियत फैलाने के लिए पैसे भी इन्वेस्ट कर रहा है और लोगों को खरीद रहा है। शर्म आनी चाहिए, मैं मसम्मत करती हूँ इस बात की कि मजलूमों को कहा जा रहा है कि ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको ब्लैकमेल करके उनके लोग जो शहीद हुए हैं वो जिंदा हो जाएंगे? उनके घर में जनाजा उठाने वाले मर्द नहीं रहे, वो आपको ब्लैकमेल करेंगी खवातीन? आप दो तीन चीजें जो वजीर आजम साहब ने कही है, एक उन्होंने आज बताया कि मार्च में, गुजश्ता साल मार्च में जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी जो उनसे शेयर की गई, और वो उन्होंने मार्च में कैबिनेट में भी ये बताया था कि हिंदुस्तान जो हमारा अजली दुश्मन है वो उलमा कराम जो है नामवर, और इस तरह शिया सुन्नी फसादात जब नामवर उलमा को वो कत्ल उनको करा के उनके साथ इस तरह की टारगेट किलिंग करके इस फिरका वारियत को हवा देना चाहता है। दूसरी जानब उन्होंने आज इंटेलिजेंस इदारों को एक साथ, जिस तरह आप कह रहे हैं सिक्योरिटी के, उन्होंने कहा कि हम इसको खराज तहसीन पेश करते हैं कि बहुत सारे जो दहशतगर्दी के और फिरका वारियत के अहम जो वाकयात हैं वो इंटेलिजेंस बार बार जो उनकी जो इतलात थी उनके पास थी, जो इंफॉर्मेशन थी उसकी बुनियाद पर उनको नाकाम बनाया, उस पर उन्होंने अप्रिशिएट भी किया। खल साहब, सबसे पहले जहां तक इंडियन हाथ का मुलविस होना है, अजीत दोवल का ये डॉक्ट्राइन है कि पाकिस्तान को टारगेट किया गया। अजीत दोवल यहाँ पर क्या कर रहा था? अजीत दोवल यही काम कर रहा था, वो ये पाकिस्तान में टेररिज्म फैला रहा था, दहशतगर्दी फैला रहा था, इस तरह के जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा था। हज़ारा बरादरी के जो इनोसेंट मासूम बेचारे लोग हैं, मेहनती लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं, मुहिब पाकिस्तानी लोग हैं, उनको टारगेट बना के एक ख़ास कम्यूनिटी को पाकिस्तान के खिलाफ करने की एक बहुत बड़ी साजिश है और इसमें 100% इंडिया इन्वॉल्व है। लेकिन भट्टी साहब, मुझे एक और चीज़ भी बताएं, कल मरियम गई, कल मरियम वहाँ पर ख्वातीन के पास गई, वहाँ पर उनकी उनके साथ ताज़ियत की, लेकिन मरियम के मुंह से, नून लीग के किसी एक बंदे के मुंह से मोदी का नाम नहीं आया, इंडिया का नाम नहीं आया। वो पाकिस्तान गवर्नमेंट को तो टारगेट करती नहीं है, प्राइम मिनिस्टर को तो टारगेट करती नहीं है, लेकिन इस दहशतगर्दी के पीछे जो लोग मुलविस हैं, जो इंडियन हाथ मुलविस है, उस हवाले से तो नून लीग बिल्कुल खामोश है, चुप है, ये क्या वजह है? एक तो मरियम नवाज साहिबा को उधर स्पीच नहीं करने चाहिए थी, वो पॉइंट स्कोरिंग करने गई थी, मेरी अपनी असेसमेंट है ये, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ये उनकी हमदर्दी में नहीं गई थी। अगर उनकी हमदर्दी में जाती तो मोदी के बारे में आप कहते हैं वो नहीं बोली, मोदी के बारे में बोले, उनकी बेटी की शादी में तो मोदी खुद तशरीफ लाया था। आप कमाल कर रहे हैं, मोदी ही तो, भारत ही तो चाहता है पाकिस्तान में दो बाजुओं को लड़ाया जाए, जिसको आपस में लड़ाया जाए, ये दो हमारे एक पाकिस्तान के हैं, क्योंकि ये खाना जंगी गली मोहल्ले में पहुंच सकती है, ये एक साजिश के तहत भारत कर रहा है सब कुछ, ये अचानक नहीं हो रहा। तो मोदी का नाम कैसे लेंगी? मोदी तो जाती हो रहा, उनकी बेटी के शादी पे आया, मोदी का ही तो ये एजेंडा है कि पाकिस्तान में फिरका वारियत फसाद को हवा दी जाए, क्योंकि दो बाजू जो हमारे भाई हैं। भट्टी साहब, भट्टी साहब, जरा की जो बात आप कर रहे हैं भट्टी साहब के, भारत की जानब से ताने बाने, ये तो आज वजीर दाखिला जो है उन्होंने जो वजीर आजम को रिपोर्ट पेश की है उसके अंदर उन्होंने बता दिया है कि हज़ारा बरादरी को निशाना बनाने में बैन अल-अक़वामी कूते मुलवस हैं, और उनकी जान जो उनका इशारा था वो भारत की जानब से, और उस हवाले से तो आपने जो कॉल ट्रेस और बहुत सारी चीज़ें एविडेंस जो हमारे इदारों के पास आई हैं, तो ये तो फिर इसी वजह से क्यों वो नहीं बात कर रही भारत और इस तरह की चीज़ें, बजाय इसको एक और तरह ले जा रहे हैं मामले को। देखिए खल साहब, आप भी जानते हैं, आपने भी वो रिपोर्ट पढ़ी होगी जो पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट के हाथ आई है कि भारत पाकिस्तान में फिरका वारियत फैलाने के लिए पैसे भी इन्वेस्ट कर रहा है और लोगों को खरीद रहा है, और मैंने भी वो बदकिस्मती से देखी है, ये कड़वा सच है। देखिए दहशतगर्दी कोई भी नहीं मुल्क चाहता हो, लेकिन मेरी बहन मरियम नवाज उधर जाती, जाके उनकी को माली इमदाद करके आती अरबों रुपए के, तो उनके हैं करोड़ करोड़ रुपया दे आती, लेकिन उधर उन्होंने मोदी का नाम नहीं लिया कि भारत मुलव्वस है। साहब, इनकी फैक्ट्रियों से इंडियंस का निकलना, इनका उसके बाद अजीत दोवल का पकड़ा जाना, हुकूमत का खामोश रहना, मोदी का मोदी का जनाब नवाज शरीफ के घर शादी पे आना,
इनके इंडियन लॉबीज के साथ ताने बाने, मियां नवाज शरीफ लंदन में बैठे हुए हैं, उनको कहां कहां से मदद मिल रही है, कौन कौन सपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान के इदारों को टारगेट करो, पाकिस्तान के इदारों को कमज़ोर करो, पाकिस्तान के इदारों को गालियां दो, ये किसके कहने पर कर रहे हैं, किन के इशारों पर कर रहे हैं, सब कुछ पता है। नवाज शरीफ हुकूमत में थे, उस हुकूमत में एक सर्विंग कर्नल पकड़ा गया, हैरानगी की बात है। आपका डिफेंस मिनिस्टर खामोश रहता है, प्राइम मिनिस्टर खामोश रहता है, फॉरेन मिनिस्टर खामोश रहता है, आपका इंटीरियर मिनिस्टर खामोश रहता है, इससे बड़ी हैरत क्या हो सकती है कि कोई एक बंदा नहीं बोलता। बलोचिस्तान जहाँ पर बदमनी है, जहाँ पर भारत ओपनली खुले आम वहाँ पर बदमनी फैला रहा है, लेकिन हम खामोश रहते हैं। खान साहब ने ब्लैकमेलिंग का जो इल्ज़ाम लगाया लवाहकिन पर, उस पर शदीद तनकीद तो हो रही है, लेकिन बहुत बड़ा सवाल भी है कि क्या वाकई हज़ारा के मासूम और हज़ारा कम्युनिटी के जो गरीब तबका था वो वाकई इमरान खान साहब को ब्लैकमेल कर रहा है, और सिर्फ उनको ब्लैकमेल करने की गर्ज से गुज़श्ता 6 दिनों से लाशें खुले आसमान के नीचे रख के वो मुंतज़िर हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के। शर्म आनी चाहिए, मैं मसम्मत करती हूँ इस बात की कि मजलूमों को कहा जा रहा है कि ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको ब्लैकमेल करके उनके लोग जो शहीद हुए हैं वो जिंदा हो जाएंगे? क्या आपने उनके डिमांड मान ली जो ऐसे एक हुकूमत को नहीं माननी चाहिए थी? किसी के घर के मर्द खत्म हो गए, उनके घर में जनाजा उठाने वाले मर्द नहीं रहे, वो आपको ब्लैकमेल करेंगी खवातीन? और ये कोई नौकरी के लिए लोग नहीं बैठे हुए थे, ये कोई सियासी मसले पे एहतजाज करने वालों की लाशें नहीं है, ये जो है गरीब कानकुनों की लाशें हैं जिन्हें मसलक की बुनियाद बनाकर शहीद किया गया है। और वहां के जो लोग हैं जिनके ये वारिस थे और जो इनके लवायकीन हैं, अब वो इसलिए एहतजाज कर रहे हैं कि उनका घर तो उजड़ गया, मजीद घर नहीं उजड़े, वो सिर्फ अपने मुल्क के सरबराह को इसलिए बुला रहे हैं, उन्हें किसी चीज की ये नहीं है कि वो आपको बुला के ब्लैकमेल कर रहे हैं। रही बात ये कि जो खातून फरमा रही है कि ऐसे तो हर जगह होगा, तो आपको हर जगह जाना होगा, आप इस मुल्क के वजीर आजम हैं, आपको जाना होगा। ये क्या तरीका है कि वहां पे सिक्योरिटी का मसला है, ये उसका मसला है? अगर आप ये समझते हैं कि आप सिक्योर नहीं है और ये मसाइल हैं, तो आम आवाम फिर किससे फरियाद करेगी? हेलो फ्रेंड्स, अपने हिंदुस्तान न्यूज में आपका स्वागत है। पाकिस्तान के हालात बस से बदतर होते जा रहे हैं। अब पाकिस्तान में जो भी वारदातें हो रही हैं, जो उसने आतंकवाद फैलाया था भारत के विरुद्ध, अब वही पाकिस्तान को अंदर से खा रहा है। और ये सारा देखने के बाद पाकिस्तान आर्मी और वहाँ का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भारत के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि भारत ये सब कुछ करवा रहा है, और वहाँ की जनता भी ये सब जान चुके, ये सब भारत के खिलाफ खाली एक प्रोपागेंडा है पाकिस्तानी आर्मी का, जो अपनी करतूतें छुपाना चाहती है। और हाल ही के वाकये में जहाँ क्वेटा के अंदर 11 पाकिस्तानी हज़ारों कम्युनिटी के लोग मारे थे आतंकवादी संगठन ने, वहाँ इमरान खान 6 दिन से नहीं जा रहा, और वो लोग लाशें लेके बैठे हैं सड़क पे कि जब तक इमरान खान नहीं आएगा हम इन लाशों को दफनाएंगे नहीं। और अब इमरान खान कह रहे हैं कि ये सारे मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैं वहाँ नहीं जा रहा। आगे देखते जाइए फ्रेंड, पाकिस्तान के हालात कितने बस से बदतर होते जाते हैं। थैंक यू।